तो नमस्कार दोस्तों, आज बना रहा हूँ बच्चों के लिए एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेसिपी। मेरे एक सीनियर हैं, मेरे बॉस हैं, उनकी वाइफ ने मुझे सिखाई है और बिल्कुल डिफरेंट है। आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी इस चीज़ की, मेरी गारंटी है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनती है क्योंकि मैं खुद देख चुका हूँ यूट्यूब पर, मुझे नहीं मिली है वैसी रेसिपी। तो वैसे ही बनाते हैं, हम बनाएंगे मैंगो राइस। तो दोस्तों, सबसे जो इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। ये चावल हैं, 250 ग्राम चावल मैंने लिए थे। इनको नॉर्मल जो आप बॉईल करते हैं किसी बर्तन में, वैसे बॉईल कर लीजिए और इनको फैला के एकदम ड्राई कर लीजिए। तो 2-3 घंटे पहले बनाए थे, एकदम अच्छे से ड्राई हो गए, खिले खिले बने। इसके अलावा गुड़, उड़द दाल, चने की दाल, मूंगफली और मैंगो राइस की जान, ये कच्ची कैरी है। देन हरी मिर्च, लाल मिर्च, साबुत मिर्च है वो, करी पत्ता, मेरे मसाले। चलिए अब शुरुआत करते हैं मैंगो राइस बनाने की। टाइम बचाने के लिए मैंने राइस पहले से बना लिए थे। राइस तो आपको बनाने आते ही होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बताइए। इस बार कोशिश कीजिए कि इसको 100 लाइक ज़रूर मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस कैरी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ, चाकू से काट लेता हूँ। तो ये कैरी को छील के मैंने छोटा छोटा काट लिया है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो कटी हुई कैरी है, इसको हमें गला करके पेस्ट बनाना है एक्चुअली। तो मैं इसको एक कुकर में ले रहा हूँ, इसमें मैं ऐड करूँगा 2 टेबल स्पून गुड़। आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल लोग जनरली शक्कर यूज़ करते हैं, मैं थोड़ा हेल्दी बनाना चाहता हूँ तो गुड़ यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। अब चलिए इसको गैस पर रखते हैं। तो दोस्तों, करीब 10 मिनट लगेंगे इसको बनने में, पूरा गलने में। चलिए इसको गलने देते हैं। दोस्तों देखिए, ये बनने लगा है और करीब 10 मिनट हो गए हैं। अब ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा मैश कर लेंगे। मैश करते जाएंगे और इसको बनने देंगे। तो दोस्तों देखिए, एकदम पेस्ट की तरह बन गया है ये। अब मैं गैस को मैंने बंद कर दिया और उसको ठंडा होने दूंगा। दोस्तों देखिए, मैंने उसको एक बाउल में निकाल लिया है और अब मैं इसको अच्छे से एक बार और मैश कर दूंगा, जिससे कि ये जो इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो कैरी हल्की सी मोटी बची है, वो भी अच्छे से मैश हो जाएगी और एक यूनिफॉर्म पेस्ट बन जाएगा। और उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो दोस्तों देखिए, जो चावल है वो मैंने थोड़े से एक बर्तन में फैला लिए हैं और अब मैं इसमें जो हमारा पेस्ट है वो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में वो मिलाऊंगा इसमें। तो मैंने क्या किया है कि आधे चावल मैंने पहले एक बार एक बड़ी परात में फैला लिए हैं और ये पेस्ट डालने के बाद में इनके ऊपर से फिर मैं एक लेयर और चावल डाल के और अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। तो ये इसको भी ऊपर से डालने के बाद में हाथों से की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों देखिए, एकदम हल्के हाथों से मिलाइए, उसे बिल्कुल लड्डू की तरह नहीं मिलाना है, आराम से फैले, एकदम खिले खिले चावल रहने चाहिए। तो इसको मिला लीजिए एक बार अच्छे से पेस्ट को इसके साथ में। तो दोस्तों देखिए, अच्छे से मिल गए हैं और अब हम आगे के नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दोस्तों ये मैंने एक बड़ी कढ़ाई में देसी घी लिया है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि या तो मैं सरसों का तेल यूज़ करता हूँ या देसी घी यूज़ करता हूँ, रिफाइंड यूज़ नहीं करता। इसमें मैं डाल देता हूँ हमारी मूंगफली, इसको हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। और ये मूंगफली के साथ ही मैं डाल दे रहा हूँ हमारी चने की दाल और उड़द की दाल। मैंने सिर्फ इन दालों को धोया है, इन्हें भिगो के नहीं रखा है। अब इसको अच्छे से हल्का सा कलर चेंज होगा दाल का, तब तक इसको अच्छे से भून लेते हैं। दोस्तों अब देखिए, थोड़ा सा ये भुन गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगा सरसों या राई, इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डालूंगा हींग, इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें मिला दूंगा ये साबुत लाल मिर्च है
अब इसमें मैं लाऊंगा करी पत्ता और हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, कम डाल सकते हैं। मैं इसमें मिला दे रहा हूँ थोड़ा सा नमक, वैसे नमक मेरा ऑलरेडी चावलों में है, ज़्यादा मत मिलाइए। और लास्ट में हल्दी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए तड़का हमारा एकदम रेडी हो गया। अब हम इसमें मिला देंगे हमारे चावल। दोस्तों देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि हमें चावलों को अब भूनना नहीं है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब धीरे धीरे करके हम चावल इसमें मिलाएंगे और उसको ऐड करते जाएंगे। ये ध्यान रखिए कि मिलाते वक्त हल्के हाथ से ही मिलाइए क्योंकि वरना वो चावल जो है उनके लड्डू बन जाएंगे, लड्डू हमको बनाने नहीं है। इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार, फिर दिखाता हूँ। इसको एकदम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस यही ध्यान रखना है कि हमें चावलों को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, चावल मैश ना हो, ध्यान रखिए जिससे चावल खिले खिले ही रहें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, बढ़िया कलर आया है और बहुत बढ़िया टेस्ट आया है, मैंने खा के देखा है। तो अब ऐसा करते हैं इसको निकाल लेते हैं हमारी कढ़ाई में से और सर्व करते हैं। तो दोस्तों रेडी है हमारे सुपर टेस्टी एंड सुपर हेल्दी मैंगो राइस। ये साउथ की बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाई गई डिश है और जनरली अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो कैरी को सिर्फ ग्रेट करके, कैरी को डायरेक्टली तेल या घी में ऐड करके उसमें राइस ऐड कर देते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इसे बनाएंगे ऑथेंटिक तरीके से तो ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ज़रूर आप अपने घर पे इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।